गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ इंग्लिश पोयम 8 ऑन किलिंग अ ट्री। इसकी कविता की कुछ पंक्तियां जो है उसको समझा। ऑन किलिंग अ ट्री इंट्रोडक्शन टू द लेसन। द पोएट सैनिटाइज द रीडर एंड हाइलाइट्स द फैक्ट दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। ही इक्विप्स ट्रीज विद ह्यूमंस टू कन्वे दैट ट्रीज शुड नॉट बी कट बिकॉज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज इज जस्ट लाइक किलिंग अ human being. A tree does not die by merely cutting because it regrows from the wear it is done. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. मतलब कि वृक्षों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमें जीवन देते हैं, हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमें प्रदान करते हैं, इसीलिए हमेशा पर्यावरण को बचाना चाहिए। No, the root is to be pulled out of and free up. It is to be roped tight and pulled out, snapped out or pulled off entirely or from the earth cave. And the strength of the tree exposed the source, voltage and weight, the most sensitive hidden for years inside the earth. Question answer. Can a simple jig from the knife can kill a tree? Why not? क्या एक चाकू के वार से वृक्ष की हत्या की जा सकती है? क्यों नहीं? No, it can't. It is because the bark of the tree will heal on its own after some time. नहीं, क्योंकि पेड़ की छाल स्वयं अपने आप को पुनः स्वस्थ कर लेती है। Question number 2. How has the tree grown or its full size list the word suggestive of life and activity? वृक्ष किस तरह से अपने पूर्ण आकार में बढ़ता है, उसके जीवन की गतिविधियों के बारे में बताइए। आंसर है इसका, इट हैज कंज्यूम अर्थ एंड फील ऑन इट्स क्रस्ट। इट एब्जॉर्ब लाइट एयर एंड वाटर ऑफ इयर्स। द वर्ड्स आर कंज्यूमिंग फीडिंग एब्जॉर्बिंग सनलाइट एयर एंड वाटर। इसने मिट्टी को सोखता है और बाहरी परत से खाद लेता है और इसमें पानी, प्रकाश और जो है हवा, ये सारी चीजें विद्यमान रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीडिंग? खून बहाती छाल का क्या अर्थ है और उसका खून कैसे बहता है? आंसर है, ब्लीडिंग बार्क मींस द बार्क गिविंग और आउट जूस इट आफ्टर इट इज कट एंड नाइफ और एक्सेस कट मेक इट्स ब्लड। खून बहाती छाल का मतलब है उसके कटने से बेहतर रस इत्यादि एक चाकू या कुल्हाड़ी से लगी चोट भी खून जो है उससे बह जाता है। आपको ये क्वेश्चन आंसर याद करना है, लिखना है याद। थैंक यू।